अस्सलामुअलैकुम क्लास, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑयल एंड फैट्स। इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा जो पहले से डिस्कस किया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं। आज हम जो है वो बेसिकली टाइप्स जो है वो पढ़ेंगे वेजिटेबल ऑयल्स की, वेजिटेबल ऑयल्स की, और जो है वो एनिमल फैट्स और ऑयल्स की जो है। चलें जी, जो है वो सबसे पहले हम ओवरलुक करते हैं अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सैचुरेटेड फैट्स या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है जिसके अंदर मैक्सिमम जो हाइड्रोजन है वो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड जो है वो फैट्स कहलाते हैं, यानी मैक्सिमम हाइड्रोजन जिसके अंदर होते हैं जो है वो, यानी सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। इसमें मेरिस्टिक एसिड है, लॉरिक एसिड है, पामेटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड इसकी एग्जाम्पल्स हैं, और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो है वो यानी ये ऑलरेडी क्या होते हैं? सेचुरेटेड होते हैं, तो इसका मतलब है ऑलरेडी ये हार्डर होते हैं। फर्दर इनको जो है वो हार्ड आप नहीं कर सकते हैं, मीन टू से इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो है वो बिकॉज जो है वो इसमें हाइड्रोजन क्या होती है? मैक्सिमम होती है, यानी सेचुरेशन का लेवल जो है वो क्या होता है? हाई होता है। इसी वजह से जो है वो ये क्या है? सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड स्टेबल होते हैं और रेंसिड नहीं होते हैं, यानी इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। इस वजह से जो चूंकि जो है वो इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, सेल्फ ऑक्सीडेशन, इस वजह से इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो ये स्टेबल होते हैं और शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है जो है वो। लेकिन ये क्या करते हैं कि इनके हेल्थ रिस्क ज़्यादा हैं, यानी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह जो है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स जो है वो कॉमन है। इसी तरह जो मोस्ट एनिमल फैट्स हैं, जैसे मीट है, बटर है, चीज़ है, क्रीम है, इसके में सैचुरेटेड फैट जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो है वो मॉडरेशन में खानी चाहिए। इसी तरह जो बेकरी आइटम्स हैं, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, इनके अंदर भी जो है वो सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के से क्या मुराद है? कि जिसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन नहीं होते हैं उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है, यानी अनसैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। सो दे कैन बी मेड हार्डर एंड दे विल बी प्रेजेंट इन जो है वो ऑयली फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर जो है वो दे आर जो है वो, यानी ओलिक है, लिनोलिक है, लिनोलिक एसिड्स है, ये क्या है? अनसेचुरेटेड है एंड दे आर लिक्विड्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड दे कैन बी मेड हार्डर। दे यू कैन मेक देम हार्डर बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाई हाइड्रोजिनेशन। आगे इनकी थ्री कैटेगरीज हमने पढ़ी थी जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है? इनके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है और ये स्टेबल होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतनी ही रेंसिडिटी होगी, डबल बॉन्ड कम होंगे रेंसिडिटी के चांसेस भी कम होंगे। सो दे आर स्टेबल टू ऑक्सीडेशन जो है वो, ठीक है जो है वो, और ये बेस्ट टाइप ऑफ फैट के अंदर आते हैं। इसमें ऑलिव ऑयल है एंड रेप सीड ऑयल है। रेप सीड ऑयल जो है वो क्या होता है? रेप सीड ऑयल जो है वो एक प्लांट है जो कैबेज फैमिली से बिलोंग करता है, उसके जो सीड से निकाला जाता है, यानी येलो फ्लावर्ड प्लांट है जो बिलोंग करता है किससे? कैबेज फैमिली से। उसके सीड से जो ऑयल निकाला जाता है रेप सीड ऑयल या कैनोला ऑयल जो है वो, इसको रेपसीड ऑयल को कैनोला ऑयल भी कहा जाता है। सेकंड में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो है वो। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है जो है वो, और ये लीस्ट स्टेबल होते हैं बिकॉज दे कंटेन मैक्सिमम डबल बॉन्ड। इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाती है जो है वो, और सो जो है वो ये बेस्ट जो है वो
यूज्ड हैं, कोल्ड यानी एप्लीकेशन है जो मोस्ट कॉमन सोर्स हैं पॉलीअनसैचुरेटेड के, वो सनफ्लावर सीड ऑयल यानी मैक्सिमम होती है जो है वो अनसैचुरेशन, कोकोनट ऑयल है जो है वो उसमें अनसैचुरेशन जो है, सॉरी कोकोनट ऑयल मीनिंग कोकोनट ऑयल जो है सैचुरेटेड होते हैं। इसके अलावा जो है वो पाम ऑयल है उसमें अनसैचुरेटेड पोर्शन जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ट्रांस फैटी एसिड, एक सीज फैटी एसिड्स होते हैं, एक ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं। सीज फैटी एसिड जो है वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, एंड ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। सिस जो फैटी एसिड्स हैं वो नेचुरल होते हैं और ट्रांस फैटी एसिड जो हैं वो सिंथेटिक होते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल से प्रिपेयर किए जाते हैं बाय हाइड्रोजिनेशन, एंड एनिमल फैट से जो है वो ट्रांसफेरेंट फैट्स जो हैं वो गुड नहीं है जो है वो, बिकॉज जो है वो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करती हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है जी, जो बेसिक हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं वो, फैट एंड ऑयल जो है वो वेजिटेबल ओरिजिन के भी हो सकते हैं, एनिमल भी हैं और मैरीन ओरिजिन के भी हैं। ठीक है, जो है वो वेजिटेबल फैट्स, वेजिटेबल मैंने कहा था कि जो वेजिटेबल्स हैं वो यानी वो ऑयल होते हैं, लेकिन एनिमल से जो है वो फैट भी ऑब्टेन करते हैं और ऑयल भी ऑब्टेन करते हैं वेजिटेबल से, सिवाय एक के जो कोकोनट, जो कोको बटर है, कोको बटर है वो ऑब्टेन होता है कोको बीन से, वो सॉलिड होता है जो है वो रूम टेम्परेचर पे, वो उसको इस वजह से जो है वो क्या कहा जाता है, सॉलिड कोको बटर, सॉलिड फैट जो है वो है, दैट इज ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। और ऑयल्स जितने भी हैं वेजिटेबल ऑयल सच एज कॉर्न है, सनफ्लावर, सैफ्लावर है, सोयाबीन है, सनफ्लावर इस तरह, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, लिनसीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे जो हैं वो वेजिटेबल ओरिजिन के हैं जो है वो। जो कॉमन वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो सोयाबीन है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, ऑलिव है, राइस ब्रैन है, शीशम, जो इसकी डिटेल हम जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस जो है वो करेंगे। ठीक है, जो टैलो एंड बटर फैट जो है वो एनिमल ओरिजिन के फैट्स हैं और ये सैचुरेट कंटेंट्स इनके अंदर क्या है जो है वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनिमल फैट्स। एनिमल फैट में सबसे पहले जो आती है बटर जो है वो फैट, बटर ऑब्टेन होता है मिल्क से, ऑब्टेन होता है काओ और बेफलो मिल्क से, ये जो है वो यानी उसमें वाटर होते हैं, बटर होती है और सॉल्ट, बटर फैट होता है। जो बटर जो है वो रिच सोर्स है किसका, विटामिन ए का और विटामिन डी का जो है वो, यानी इसमें 29-32% जो है वो मोनोअनसैचुरेटेड होते हैं, 2-4% पॉलीअनसैचुरेटेड होते हैं और 12-30% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो है वो। इस ये यानी इसका फ्लेवर होता है खास येलो कलर्ड होता है और जो है वो ये डिफरेंट जो है वो जगहों पे आप इस्तेमाल करते हैं, टेबल स्प्रेड के तौर पर मार्जरीन जो है वो इसका अल्टरनेट यूज़ करते हैं बटर के जो है वो, मार्जरीन आप कह सकते हैं, सिंथेटिक बटर जो है वो, क्यों, इसलिए कि ये लो प्राइस का होता है जो है वो। और ये जो मार्जरीन है ये इस, ये जो बटर है ये सैचुरेटेड होता है, मार्जरीन जो है वो अनसैचुरेटेड होता है। बटर फैट जो है वो इज पार्ट ऑफ मेनी अदर डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, चीज़, आइसक्रीम, कॉफ़ी क्रीम एंड जो है वो व्हिप्ड क्रीम जो होती हैं। नेक्स्ट है लार्ड। लार्ड जो है वो एक्चुअली क्या है, लार्ड जो है वो जो फैट्स ऑब्टेन होती हैं किससे, एनिमल टिश्यू से, फैटी टिश्यूज ऑफ पिग जो है वो, रेंडर्ड, रेंडर का मतलब है जो है वो यहाँ पे के कन्वर्जन ऑफ जो अनयूजेबल मटेरियल है, अनयूजेबल टिश्यू है इनटू यूजफुल मटेरियल, यूजफुल प्रोडक्ट, उसको रेंडरिंग कहा जाता है। तो लार्ड जो है वो फैट है जो कैसे ऑब्टेन होती है, बाय रेंडरिंग द फैटी टिश्यू ऑफ बिग जो है, बिग जो है वो। ठीक है, लार्ड इज कम्पोज ऑफ 46 जो है वो 0.2% सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, 45 मोनोअनसैचुरेटेड, 11 जो है वो पॉलीअनसैचुरेटेड होते हैं। नेक्स्ट है टैलो। टैलो जो है वो, टैलो आपने सोप मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा होगा कि जो मटन और बीफ की जो वो है वो चर्बी है, फैट है, उसको जो है वो क्या कहा जाता है, टैलो जो है वो एडिबल टैलो इज ऑब्टेन
ग्रेन फ्रॉम बीफ कैटल और मटन जो है वो ये हार्डर होती है एज कम्पेयर टू लॉट जो है वो, इसमें 54% यानी 55% तक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, 40% अनसैचुरेटेड एंड 4.2% ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। नेक्स्ट है ये एनिमल फैट्स थी, ये एनिमल ऑयल्स जो हैं वो मेरीन ऑयल्स भी इसको कहा जाता है, फिश ऑयल जो है वो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द लीवर ऑफ द सेवरल फिश जो है, जैसे कॉड फिश है, वेल है, सालमन है जो है वो, इनकी जो फैटी एसिड की कंपोजिशन है वो स्पीशी से स्पीशी वेरी करती है और जो है वो यानी ज्यादा या कम जो है वो। नेक्स्ट है कोड जो है वो लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल जो है वो कोड फिश के लीवर से ड्राइव किया जाता है जो है वो, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो, जिसमें इकोजा पेंटानोइक एसिड है, इकोजा पेंटानोइक एसिड इज अ 20 कार्बन एसिड विद सिक्स जो है वो उसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, यानी 20 कार्बन होती हैं, 20 कार्बन फैटी एसिड है और सिज जो है वो सिज सारे जो है वो सिक्स डबल बॉन्ड्स हैं और सिज हैं सारे और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर आता है। इसी तरह जो है वो डुकोजा हेक्सोनोइक एसिड है, DHA बेट है, ये डुकोजा हेक्सोनोइक एसिड 22 कार्बन है, यानी 20 जो है वो 2 इसमें टोटल कार्बन्स हैं और 6 डबल बॉन्ड्स हैं और जो है वो ये 6 डबल बॉन्ड्स तमाम के तमाम सीज होते हैं। तो कोड लीवर ऑयल जो है वो रिच सोर्स है विटामिन ए और डी का और इसलिए जो है वो जो ये विटामिन ए और डी के कैप्सूल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ये कोड लीवर ऑयल जो है वो होता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स बहुत से हैं जो है वो, थोड़े बहुत जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सोयाबीन ऑयल जो है वो, सोयाबीन जो है वो प्लांट है ठीक है, उससे के सीड से सोयाबीन ऑयल को जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, ये ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होने वाला है और इसके अंदर 61% जो है वो इसकी कंपोजिशन क्या है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, 25% मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं और 15% जो है वो सैचुरेटेड एसिड्स होते हैं जो है वो, अल्फा लिनोलिक एसिड इसके अंदर होता है जो है वो। और इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या है कि ये मार्जिन में और शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग क्या है कि शॉर्टनिंग जो है वो फैट है जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो, सॉलिड हो जो है, जैसे बटर है, मार्जरीन है जो है वो बेकरी आइटम्स में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, कुकिंग एंड सैलड ऑयल में इस्तेमाल होता है और मायोनीज मेकिंग में सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल होता है जो है वो। यानी ये डाइटरी इम्पोर्टेंस है इनकी जो है वो, लेकिन ये फ्राइंग के लिए हम कम इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव इंस्टेबिलिटी की वजह से। नेक्स्ट है पाम ऑयल, पाम ऑयल जो है वो पाम ट्रीज हैं उनके फ्रूट से ऑब्टेन होता है ठीक है जो है वो, और ये ज़्यादातर जो है वो अब वर्ल्ड वाइड में प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें जो है वो बैलेंस्ड होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एसिड, पामेटिक एसिड है, पामेटिक एसिड इसमें 44% होता है और ओलिक एसिड 39-40% होता है जो है वो, लिनोलिक एसिड है जो 11% जो है वो होता है और ट्रेसिस इसके अंदर लिनोलेनिक एसिड की भी जो है वो होती हैं। लो लेवल जो है वो लिनोलेनिक यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से जो है वो ये क्या है, स्टेबल है टू ऑक्सीडेशन ठीक है जो है वो, यानी वेरी करती है पाम जो है वो ऑयल ड्राइव्ड फ्रॉम वेरियस स्पीशीज, ये वेरी करता है जो है वो, जो ब्राउन कलर यानी आपके पास जो है वो डार्क ऑरेंज रेड कलर पाम ऑयल जो है वो, उसके अंदर कैरोटेनाइड्स एंड यानी पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, इसमें विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है, टोकोफेरॉल एंड टोको जो है वो टिरिनॉल्स के तौर पर जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट 95% ऑफ पाम ऑयल जो है वो एडिबल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कुकिंग और फ्राइंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल होता है, मार्जरीन मेकिंग में, शॉर्टनिंग में और टिन एंड स्प्रे ड्राइड जो पैक्ड फूड है उन को जो है प्रिपेयर करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल होता है। कैनोला ऑयल,
कैनोला ऑयल जो है वो ये रेपसीड ऑयल से जो है वो यानी रेपसीड प्लांट के सीड से ऑब्टेन होता है। रेपसीड प्लांट मैंने आपको पहले भी बताया कि येलो फ्लावर्ड प्लांट है जो कैबेज फैमिली से बिलोंग करता है, उसके सीड से प्रेसिंग से जो है वो कैनोला ऑयल ऑब्टेन होता है। ज़्यादातर थर्ड जो है वो पोजिशन ले चुका है इस वक्त वर्ल्ड वाइड में कंजप्शन के लिहाज से, प्रोडक्शन के जो है वो लिहाज से, ठीक है। जो है वो इसमें लो लेवल है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो है वो, और जो है वो चूंकि वो अनसैचुरेटेड ज़्यादा होते हैं सो स्टेबिलिटी इसकी लिमिटेड होती है, ठीक है जो है वो। और इसमें टोकोफ्रोल भी जो है वो प्रेजेंट होता है। एप्लीकेशन जो है वो शॉर्टनिंग में, मार्जिन कुकिंग में एंड फ्राइंग टाइल्स में। फ्राइंग टाइल का मतलब जैसे शैलो फ्राइंग होती है, डीप फ्राइंग होती है, जो है वो सोटे होता है, इसी तरह यानी फ्राइंग टाइल्स का मतलब जो है वो क्या है कि आप कह लें कि जो है वो लेवलिंग के लिहाज से जो है जो फ्राइंग की जाती है यानी टेढ़ा करके जो फ्राइंग की जाती है उस वहां पे जो है वो ये इस्तेमाल होता है। सनफ्लावर ऑयल जो है वो फोर्थ मोस्ट कॉमन वेजिटेबल ऑयल है जो है वो। इट इज प्रेफर्ड टू सोयाबीन, कॉटन सीड एंड पाम ऑयल जो है वो। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स 10% होती है, 55 to 75% ओलिक एसिड होता है और 15 to 35% लिनोलिक एसिड होता है। ये एप्लीकेशंस कहाँ पे है, कुकिंग के लिए, सैलड ड्रेसिंग के लिए, मार्जिन मेकिंग में जो है वो, लेकिन ये फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि अनसेचुरेटेड पोर्शन इसमें ज़्यादा होता है सो पोअर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी की वजह से जो है वो ये इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो कोकोनट के जो कोपरा कोपरा से ऑब्टेन, कोपरा जो कोकोनट नहीं जो ड्राइड फॉर्म में खोपरा जिसको आप कहते हैं वो जो है वो उसको उससे कोकोनट ऑयल जो है वो ऑब्टेन होता है। ये फैट्स के अंदर भी जो है वो बास टाइम क्लासिफाई किया जाता है बिकॉज जो है वो ये क्या है सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो है वो जो रूम टेम्परेचर से अबव 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी वो होता है क्या सॉलिड होता है, जबकि इससे अबव जाएंगे तो ये लिक्विड में चेंज जो है वो हो जाएगा। इसमें क्या होता है जो है वो 50% लॉरिक एसिड होता है, सैचुरेटेड पोर्शन ज्यादा होगा। लॉरिक एसिड मेरे ख्याल में जो है वो ये 10 कार्बन एसिड है जो है वो 10 कार्बन, हाँ 10 12 है कार्बन, 12 कार्बन एसिड है जो है वो इसके अंदर होता है। और जो है वो लॉरिक एसिड अदर ऑयल्स में 1% से जो है वो कम होता है, यानी हाई अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से ही ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट जो है वो करता है। अब जो इसके एप्लीकेशन है जो है वो ये फ्राइंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, मार्जरीन्स में इस्तेमाल होता है, मिल्क सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होता है जो है वो, ये मिल्क और जो नॉन डेयरी क्रेमर्स हैं उनकी मेकिंग में, और प्रोडक्शन ऑफ इन्फेंट्स एंड स्पोर्ट फूड जो है वो ड्यू टू देयर इजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो बच्चों की और स्पोर्ट्स की जो फूड्स हैं उनकी मेकिंग में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है पाम कर्नल ऑयल। पाम कर्नल ऑयल जो है वो पाम के कर्नल से जो ऑब्टेन होता है, क्या होता है एक्चुअली कर्नल इज अ सी, एक सीड है, सीड के अंदर जो है वो एक और जो है वो अंदर फ्रूट होता है आप कह लें उसको कर्नल जो है वो कहा जाता है। तो जो है वो जैसे कोकोनट ऑयल है जो है वो, इसी तरह जो है वो पाम कर्नल ऑयल है। पाम कर्नल ऑयल रिच इन लॉरिक एसिड, जो सैचुरेटेड पोर्शन यानी 48% जो है उसमें लॉरिक एसिड होता है, 16% मेरिस्टिक एसिड होता है और 15% ओलिक एसिड होता है। नो अदर फैटी एसिड प्रेजेंट एट मोर देन 10%। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मार्जिन की प्रोडक्शन में, फ्राइंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, बिस्किट और वाट जो है वो उनकी फिलिंग जो क्रीम फिलिंग होती है उनके अंदर उसमें इस्तेमाल होता है, नॉन डेयरी आइसक्रीम, नॉन डेयरी विप क्रीम्स में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल जो है वो कॉटन प्लांट के सीड से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है जो है वो इसका थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और कलर अडर होने की वजह से जो है वो इसको जो है वो
प्रोसेस ये ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है ये, और इस ना ही इसको जो है वो प्रोसेसिंग में जो है वो ना ही इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, क्योंकि इसका फ्लेवर और अडर स्ट्रॉन्ग होती है तो उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। सो सम टाइम्स जो है वो यूज़ होता है शॉर्टिंग में, मार्जिन में, सैलड ऑयल और डीप फ्राइंग ऑफ सम स्नैक जो है वो। नेक्स्ट है ग्राउंडनट और पीनट ऑयल। पीनट ऑयल जो यानी पीनट्स हैं उनके में से जो ऑयल निकलता है उसको पीनट ऑयल कहा जाता है। इसमें हाई कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स होती है और जो है वो अनसेचुरेटेड होता है। जो ये येलो जो क्रूड ऑयल है वो यानी अनप्रोसेस जो ऑयल है वो पेल येलो होता है और डीप फ्राइंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके एप्लीकेशन शॉर्टनिंग, मार्जरीन मेकिंग में, मायोनीज मेकिंग में जो है वो अनसेचुरेटेड है, इस वजह से रेसिडिटी हो जाती है और हाई प्रोपोर्शन है ओलिक एसिड, लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड का। ओलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑयल जो है वो ये वर्जिन दरअसल जो है वो एक्सट्रैक्शन का तरीका डिफरेंट होने की वजह से जो है वो वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो कहा जाता है। वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो ऑलिव ऑयल से, ऑलिव ट्री से, ऑलिव जो फ्रूट है उससे ऑब्टेन होता है। ये जो है वो इसमें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स है, मिक्सचर ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, सम फैटी एसिड्स होते हैं जैसे पामेटिक एसिड है, पामिटोलिक एसिड है। पामेटिक एसिड और पामिटोलिक एसिड ये 16 कार्बन एसिड्स हैं। पामिटोलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, ओलिक एंड लिनोलिक एसिड है और 71% इसमें ओलिक एसिड होता है जो है वो। और वर्जिन ऑयल ऑयल को डिओड्राइज यानी वो रॉ फॉर्म में होता है जो है वो, उसको डिओड्राइज नहीं किया होता टू रिमूव नेचुरल जो ओलिव ऑयल फ्लेवर एलिमेंट्स है इसमें जो है वो। नेक्स्ट है कॉर्न ऑयल। कॉर्न ऑयल जो है वो कॉर्न मकई से जो ऑब्टेन होता है, ये जो है वो इसका प्लीजेंट टेस्ट फ्लेवर जो है वो होता है। लो लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और हाई लेवल ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और कॉर्न ऑयल जो है वो बहुत महंगा होता है और इसलिए कि ये सेहत के लिए अच्छा है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो काम भी हैं कि ये जो है मार्जिन्स में और सैलड ऑयल कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सीशम जो है वो सीड ऑयल जो तिलों का तेल होता है जिसको कहा जाता है। ये हाईली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है जो है वो और पॉली इसमें यानी जो है वो 82% तक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और उसमें ओलिक और लिनोलिक एसिड जो है वो होते हैं। कुकिंग ऑयल के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। राइस ब्रेन ऑयल जो चावलों के ऊपर छिलका होता है उससे जो ऑब्टेन किया जाता है उसको राइस ब्रेन ब्रैन होता है BRAN ब्रैन ऑयल जो है वो कहा जाता है और कुछ कंट्रीज में जो है वो ये इस्तेमाल होता है। इसमें 20% तक सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और जो है वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड बैलेंस होते हैं और ये ऑक्सीडेटिवली स्टेबल होता है। कुकिंग फ्राइंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, सैलड ऑयल के तौर पर इस्तेमाल होता है, मायोनीज मेकिंग में इस्तेमाल होता है, मार्जरीन और शॉर्टनिंग प्रोडक्शन में जो है वो ये इस्तेमाल होता है। है जी फ्लैक्स सीड और लीन सीड ऑयल। फ्लैक्स सीड ऑयल या लीन सीड ऑयल अलसी का तेल जिसको बोलते हैं जो है वो ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इसमें मैक्सिमम होते हैं। लिनोलिक एसिड जो है वो लिनोलेनिक एसिड 50% तक होता है और इसी वजह से ये ऑक्सीडाइज इजीली जो है वो होता है और जो है वो यानी अंडर कोल्ड ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में इसको लाइट फ्री एनवायरनमेंट में क्या किया जाता है स्टोर किया जाता है बाय और प्रोटेक्ट किया जाता है बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो है वो। सेफ्लोर ऑयल जो है वो ये सेफ्लोर प्लांट येलो फ्लावर्ड प्लांट है उस सेफ्लोर प्लांट उससे जो है वो ये ऑब्टेन होता है और जो है वो ये यानी जो इसके पॉलीअनसैचुरेटेड कंटेंट्स हैं वो हाई होते हैं और जो है वो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो कम होते हैं जिसकी वजह से ये जो है वो रेसिड हो जाता है और डीप फ्राइंग
जो है वो इस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो है वो ये मस्टर्ड प्लांट से, मस्टर्ड प्लांट के सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसकी फ्लेवर और एरोमा होता है, यानी फ्लेवर पंजेंट सा होता है और एरोमा भी होती है, और इसमें सिलीनियम और मैग्नीशियम हाई कंटेंट्स में होते हैं। ज़्यादा बहुत से घरों में अब भी सरसों का तेल कुकिंग ऑयल के तौर पर रॉ फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 70% मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और जो है वो अनसैचुरेटेड ऑयल्स यानी अनसैचुरेटेड पोर्शन ज़्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें और जो है वो हेल्दियर एडिबल ऑयल कंसीडर किया जाता है ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। इट इज़ जो है वो यूज फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग जो है वो। प्रोडक्ट्स जो है एडिबल ऑयल्स के क्या हैं जो है वो, यानी मार्जिन है, शॉर्टनिंग है, इमल्सिफाइड फैट्स है, मायोनीज और सैलिड ऑयल, ये जनरल सबसे यही प्रोड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो जो अन जो है वो कह लें कि जो है वो ऑयल्स हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते हैं, उसमें से टोमेटो सीड ऑयल है, चिली सीड ऑयल है। टोमेटो सीड ऑयल टोमेटो के सीड से प्रोड्यूस किया जाता है, जो है वो ये रेडिश स्किन कलर होता है, और ओलिक और लिनोलिक एसिड होते हैं, और ये सैलिड ऑयल के तौर पर और कलर प्रिपरेशन और मार्जरीन की कलर प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। चिली सीड ऑयल, ये चिली के सीड से ऑब्टेन होता है, इसमें लिनोलिक एसिड जो है वो 20-24% होता है, इसके पंजेट होता है और सब्स्टिट्यूट होता है फॉर स्पाइसेस इन फूड प्रिपरेशन। रिफाइंड ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ एडिबल ऑयल। इसी तरह वाटरमेलन जो होता है सीड ऑयल, वाटरमेलन ऑयल जो वाटरमेलन के सीड से ऑब्टेन किया जाता है, ये इसमें भी लिनोलिक एसिड जो है वो 28% तक होता है, ये कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंगो कर्नल फैट जो है वो, मैंगो कर्नल फैट जो मैंगो के अंदर बुटली होती है, बुटली के अंदर एक और चीज़ होती है उससे जो ऑब्टेन किया जाता है उसको जो है वो क्या मैंगो ऑयल कहा जाता है जो है वो। इसमें जो है वो यानी 6-12% सॉलिड एडिबल फैट है, क्रीम कलर्ड या सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये जो है वो मेल्ट हो जाता है और रिच है ये इन ओलिक एंड स्टीरिक एसिड। और कोको बटर का ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है। कोको बटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बेकरी के आइटम्स में जो है वो इस्तेमाल होता है जो है वो। ये वो है यील्ड है डिफरेंट ऑयल्स की, कि पाम कर्नल ऑयल जो है वो ईयरली कितना यील्ड किया जाता है, सोयाबीन ऑयल है, रैप सीड ऑयल है, सेवलॉर है, यानी कितने कितने परसेंटेज जो है वो इनकी ओवरऑल जो है वो यील्ड की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट जो है वो वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स एंड ऑयल्स के मतलब अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेस जो है वो। नेक्स्ट है आपका टॉपिक हमारा एसेंशियल ऑयल्स।